ऑक्सीजन देने वाले पौधों की मांग बढ़ी। नर्सरी का काम करने वालों के चेहरे कमल से खिले। हर दिन हो रहा नर्सरी संचालकों को फायदा ही फायदा। लोग अपने घरों में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को दे रहे प्राथमिकता। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां हम सब ने संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखा, तो वहीं प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी के कारण मची हाहाकार को देखा। शायद ही ऐसा कोई जनपद बचा हो जहां ऑक्सीजन के चलते मरीजों और उनके तीमारदारों को ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भारी दिक्कत का सामना न करना पड़ा था। लेकिन अब इन सब के बीच जहां लोगों को ये समझ में आ गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, तो वहीं मानव जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना भी बहुत जरूरी है। इस बात को अब लोग समझने लगे और इनका पालन भी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि नर्सरी चलाने वाले लोग भी कर रहे हैं। नर्सरी संचालक का कहना है कि पहले फूलों और सजावटी पेड़ पौधों की मांग करते थे, लेकिन जब से लोगों को पता चला है कि हम कुछ पेड़ों को अपने घरों के आसपास लगाकर शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, तो लोगों ने ऑक्सीजन देने वाले मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, जरबेरा, डेजी, एरिका पाम, स्नेक जैसे पेड़ों की ज़्यादा खरीद शुरू कर दी है। उनका भी काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। हाँ, जैसे आपका ये गुड़हल हो गया और आपका ये सेकोलेन प्लांट हो गया और ये आपका मनी प्लांट हो गया और ये क्या उसको बोलते हैं, पीपल हो गया और ये स्नेक प्लांट हो गया। ये सारे पौधों की ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। रेबिस पाम हो गया, करोटन हो गई, इससे जो पौधे लगाने से ये होता है वातावरण घर का बढ़िया रहता है और बीमारियां भी कम होती हैं। तो इस तरह के पेड़ों की डिमांड बढ़ गई है जी। कितनी डिमांड बढ़ गई है? लमसम 75% हो गई है जी। तो हर रोज खरीदार आते हैं, रोज लेने आते हैं, रोज जाते हैं लोग लेने। कोरोना के बाद से डिमांड बढ़ी, जैसे कोरोना शुरू हुआ इन पौधों की? नहीं, कोरोना जब से शुरू हुआ तब से डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। पिछले दिनों ऑक्सीजन की काफ़ी समस्या आ रही थी, लोग मर रहे थे लोग, फिर लोग लेने लगे पड़े जी, ज़्यादा लेने लगे और लोग ज़्यादा तादाद में खरीदने लगे। अच्छा, पहले कितनी बिक्री थी, अब कितनी बिक्री होती है? तो पहले तो बहुत कम थी, मामूली थी, अब तो मतलब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब लोग पौधा, मतलब हमारे पास ही नहीं, मतलब लोग ज़्यादातर 75% लोग पौधा खरीदने लगे हैं। जी, हम अनुपम है। अनुपम भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पिछले दिनों ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत रही, ऐसे में कितनी आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए, किस तरह के पौधे लेने के लिए आए? भैया, मैं तो इंडोर प्लांट देखने के लिए आया था, जो इनसे मतलब ऑक्सीजन की भी मतलब हमें पूर्ति होती रहे, क्योंकि आज के टाइम में पॉपुलेशन इतनी है, पोल्यूशन इतना है कि हाँ भाई, बाहर आदमी ने पेड़ भी काट दिए हैं, कम से कम अपने घर में तो कम से कम ऑक्सीजन मिलती रहे। तो कुछ प्लांट भी ये बता रहे थे कि हाँ भाई, जिनसे ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, इधर एक प्लांट है इधर, इससे भी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, लगाने भी चाहिए आदमी को। भाई बाहर तो पेड़ छोड़े नहीं किसी ने, कम से कम घर में तो आदमी ऐसी व्यवस्था कर ले कि हाँ भाई, जिससे आदमी घर में तो ऑक्सीजन ले ही ले। तो किस तरह के पौधे आपके सामने आए? कुछ पौधे हैं जिनने अच्छा कुछ पौधे हैं जिनसे मतलब आदमी मतलब सो भी अच्छा लगता है उनसे, और ऑक्सीजन भी उनसे 24 घंटे भी है कुछ पौधों में। अच्छा, कोरोना के बाद ज़्यादातर रुझान हुआ लोगों का? हाँ, कुछ लोग, काफ़ी लोगों का रुझान हुआ इसकी तरफ, क्योंकि भाई सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ी है, और ऑक्सीजन ना होने की वजह से ही लोग बागों को ज़्यादा दिक्कत हुई है। लोग ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं। हाँ, इसलिए लोग बाग भी हैं, हम भी लगा रहे हैं कुछ जगह।